शुक्रिया। श्री राजकुमार रोत। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती। अगला श्री राजकुमार रोत। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2018 लेवल प्रथम को लेकर नेशनल हाईवे 8 पर काकरी डूंगरी प्रकरण हुआ उसको लेकर जिला मुख्यालय पर चल रहे धरने के संबंध में उल्लेख प्रस्ताव। उपरोक्त विषय अंतर्गत निवेदन इस प्रकार है कि अनुसूचित क्षेत्र में शिक्षक भर्ती 2018 लेवल प्रथम के रिक्त 1167 पदों को एसटी के पात्र अभ्यर्थी से भरने की मांग को लेकर सितंबर 2020 में डूंगरपुर जिले में नेशनल हाईवे 8 के पास काकरी डूंगरी पहाड़ी पर अभ्यर्थी और सामाजिक संगठनों द्वारा शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन किया जा रहा था। 14-15 दिन तक सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार से वार्ता नहीं की गई। इसके बाद कुछ छात्रों द्वारा रोड जाम किया गया। इसी दौरान पुलिस द्वारा लाठीचार्ज व गोलियां चलाई गई। इसमें 2 बच्चों की मौत हुई और सैकड़ों लोग गंभीर रूप से घायल हुए। इस घटना में 4 से 5 हज़ार लोगों पर कुल 63 मुकदमों में फंसाया गया। अब तक लगभग 400 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस घटनाक्रम का आज 1 वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो गया है। जिला पुलिस द्वारा वर्तमान में भी स्थानीय आदिवासियों को परेशान किया जा रहा है। इस प्रकार की दमनकारी नीति से जिले के आदिवासी समाज में डर व आक्रोश का माहौल है। इस कारण विगत 3 माह से जिला मुख्यालय पर जिले के समस्त जनप्रतिनिधियों द्वारा प्रत्येक गुरुवार को साप्ताहिक धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इस धरने पर प्रत्येक गुरुवार को 2 विधायक, 4 प्रधान, 13 जिला परिषद सदस्य और 90 पंचायत समिति सदस्य व सैकड़ों सरपंच द्वारा धरना दिया जा रहा है। इस बात को लेकर सरकार गंभीर नहीं है और अब तक किसी भी प्रकार की वार्तालाप भी नहीं की जा रही है। जिले की जनता परेशान है। शिक्षित बेरोजगारों में खौफ का माहौल है। गाँव में पुलिस द्वारा मानसिक तनाव पैदा किया जा रहा है। अतः श्रीमान से अनुरोध है कि अनुसूचित क्षेत्र की शिक्षक भर्ती 2018 लेवल प्रथम के रिक्त 1167 पदों को एसटी के पात्र अभ्यर्थियों से भरा जावे और साथ ही जिला मुख्यालय पर जिले के समस्त जनप्रतिनिधियों द्वारा दिए जा रहे धरने स्थल पर सरकार का प्रतिनिधित्व वार्तालाप करे। इनकी मांग को मानते हुए तत्काल गिरफ्तारी पर रोक लगाई जाए और सरकार आदिवासियों पर काकरी डूंगरी प्रकरण दर्ज प्रकरणों को वापस ले और आदिवासी समाज पर हो रहे अत्याचार को बंद करें। धन्यवाद सभापति।